क्या कहता है फर्स्ट लॉ? एनी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई। ये आगे बद्रन में कोई बात नहीं, कल थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, ब्रॉडबैंड 2% से नहीं चल रहा था इसलिए नहीं भेज पाया, कल का और आज का दोनों वीडियो भेज दिए। ओके चलो निम्रा भी आ गए। तो कल का फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ किसका? केपलर। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या कहा था? केपलर ने पहला लॉ बोलो जल्दी। प्लैनेट्स The orbit of planet is an ellipse with the sun at one of the foci. चलो जो लैंग्वेज में कल बोला था वही लैंग्वेज रिकॉर्डेड था, चेंज नहीं करूंगा। द ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी रास्ता, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। कौन से भी प्लैनेट का ऑर्बिट रास्ता क्या होता है? इलिप्स होता है। With sun, sun कहां पर होता है? With sun at one of the fossa, one of the fossa। ये है first law इसका, केपलर का। अच्छा first law का और दूसरा क्या नाम, वो कौन सा law कह सकते हैं? Can anybody tell? बोलो निम्रा, मयूरी, आदित्य, सिद्धार्थ। पहले लॉ का दूसरा एक नाम बोला था मैंने, क्या नाम बोला था? इसे हम सीधा बोलेंगे कौन से रास्ते से घूमता है, इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट। हाँ वेरी गुड, इसे मैंने और एक कहा था लॉ ऑफ ऑर्बिट। आज हम सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ केपलर, सेकंड लॉ ऑफ केपलर। इसके बारे में प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले स्क्वायर देखो, इलिप्स निकालेंगे हम पहले। ये है इलिप्स, यहां पर समझो कौन सा भी एक प्लैनेट है, अर्थ मान सकते हो या कौन सा भी मान सकते, और यहां पर एक फोकस होता है, यहां पर एक फोकस होता है। कौन से भी एक फोकस के पास हम सन ले लेंगे, इसका अर्थ बच्चों अगर ये प्लैनेट का यहां पर स्पीड है समझो v1, सब v1 स्पीड है, और ये प्लैनेट घूमकर यहां पर आ गया, यहां पर इस प्लैनेट का स्पीड है v2, यहां पर प्लैनेट का स्पीड क्या है v1, और घूमते घूमते वो यहां पर आ गया, तो यहां पर हो गया उसका स्पीड v2। तो दोनों स्पीड सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑप्शन v1 इज इक्वल टू v2, सेकंड ऑप्शन v1 इज नॉट इक्वल टू v2। बोलो व्हाट डू यू फील, ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा? v1 इज इक्वल टू v2, मयूरी का कहना है कि दोनों स्पीड्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। कोई और बोल पाएगा? किसी को आंसर चेंज करना है कि यही रखना है? बोलो, यहां पर प्लैनेट स्पीड v1 है, यहां पर v2 है,
कौन सी स्पीड, दोनों इक्वल हो गए क्या दोनों डिफरेंट हो गए? बाकी के बच्चे बोलो, डिफरेंट लग रहा है तो डिफरेंट लिखो, सेम लग रहा है तो सेम लिखो। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में फिट बिठाना है मुझे। बोलो ऋषिकेश, निम्रा, मयूरी, आदित्य, मयूर लिखाई दिया है, मुसावी। जनरली हमें लगेगा कि दोनों की स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम नहीं है बच्चों, ध्यान में रखो। जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो उसका स्पीड सेम नहीं होता। देखो यहां पर स्पीड कम होगा, यहां पर स्पीड क्या होगा, कम, और यहां पर स्पीड ज्यादा होगा। यानी जब सन के पास एक अलग प्लैनेट है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा, एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो, इसमें और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा, और यहां पर जब आएगा प्लैनेट यहां पर स्पीड कैसा होगा, ज्यादा। तो पहली बात ध्यान में रखना, प्लैनेट का स्पीड इंक्रीज होता है जब वो किसके पास होता है, सन के पास आता है, और उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज जब वो सन से क्या होता है, दूर जाता है। तो एक स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, स्पीड ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ग्रेटर, स्पीड ऑफ इज प्लैनेट इज ग्रेटर व्हेन प्लैनेट इज नियर टू सन, प्लैनेट इज नियर टू सन। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज इंक्रीजिंग, बोलेंगे ग्रेटर की जगह। जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास आएगा उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, और स्पीड ऑफ प्लैनेट इज डिक्रीजिंग व्हेन प्लैनेट इज अवे फ्रॉम सन, अवे फ्रॉम सन। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं, अगर प्लैनेट सन के पास जा रहा है, इफ प्लैनेट सन के पास जा रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो। व्हेन प्लैनेट इज नियर टू द सन, सन के पास जा रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, या इंक्रीज में लिखो या डिक्रीज में लिखो। चलो मैसेज करो, इंक्रीज इंक्रीज। चलो कि सबकी बच्चों इंक्रीज, वेरी गुड। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो एक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या है, हमारा सेकंड लॉ सीखना है हमें, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। ये तो बात आपको क्लियर होगी। तो यहां पर सन है, थोड़ा मैं पॉइंट ही निकाल रहा हूं, और यहां पर अर्थ है, अर्थ मान लो या कौन सा भी प्लैनेट। चलो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, मैंने सन और प्लैनेट की लाइन ज्वाइन करी। अब मैं इस क्या बोलूंगा, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग। किसे किसे लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। अब ये समझो ये प्लैनेट यहां पर चलेगा तो ये लाइन होगी, पहले ये पर था अब यहां पर भी, तो इसने कुछ एरिया बनाया। तो कितना एरिया बनाया, यहां से प्लैनेट यहां तक चले गया ये एरिया बना, समझो ये एरिया बना।
इस एरिया को हम बोलेंगे ए वन, और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको लगा टाइम टी वन। कितना लगा टाइम? टी वन। अब मान लो यहां पर एक प्लैनेट एक कुछ देर बाद यहां पर आ गए, समझो ये सी पॉइंट है, ये एक लाइन हमने ज्वाइन कर ली और ये यहां पर आ गया, समझो यहां तो स्पीड ज्यादा होती है तो टी वन टाइम में समझो यहां पर आ गया डी पॉइंट। आप कौन सा एरिया बना देखो, इस एरिया को बोलेंगे हम ए। अब प्लैनेट को सी से डी तक जाने के लिए टाइम टी वन लगा है, कितना लगा है टाइम टी वन। तो बच्चों मेरा सवाल ये है, प्लैनेट जब ए से बी तक गया तो उसे कितना टाइम लगा? मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, प्लैनेट ए से बी तक गया तो उसे कितना टाइम लगा? देखो मैंने टाइम लिखा है वहां पर टी वन। सभी बच्चे बोले एक बार, यहां से ए से बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? अरे बोल दो, बहुत आसान सवाल है इसलिए नहीं बोल रहे हुए बच्चे, टी वन। चलो मयूरी ने बोल दिया सिद्धार्थ, टी वन ठीक, टी वन ठीक ओके। अब ये तो हो गया हमारा एक बात क्लियर, अब सी से डी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? सी से डी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? मैंने टाइम लिखा है मयूरी, टी टू कहाँ लिखा है मैंने, कितना लिखा है टाइम? टी वन। सॉरी सर, टी वन। टी वन, तो ए से बी तक जाने के लिए टाइम टी वन लगा है, सी से डी तक प्लैनेट को जाने के लिए टाइम टी वन लगा है। टाइम इक्वल है या डिफरेंट है? टाइम इक्वल है या डिफरेंट है? इक्वल। इक्वल, तो इक्वल टाइम लिखेंगे, इक्वल टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखो बच्चों, अगर प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है, ये दोनों टाइम अगर सेम है तो ये एरियाज भी इक्वल होते हैं, एरियाज इक्वल होते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, जितना सेम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करता है, राइट, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करता है। तो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स, यहां से ऐसा गया है स्वीप्स, इक्वल एरियाज, इक्वल एरियाज, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। सर सन के पास जब प्लैनेट रहता है उसकी स्पीड तो बढ़ जाती ना? हाँ, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ती है तो इसका मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या ऐसा, और यहां पर डिस्टेंस क्या होगा कम, यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से एरिया कितना बनेगा कम, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा बन रहा है यहाँ पर एरिया भी क्या बनेगा ज्यादा। तो लेकिन ये सन के पास ये सब नजदीक है इसके, तो ये जो एरिया है ये एरिया इसके इक्वल ही बनता है। देखो स्पीड ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां से ये ज्यादा दूर है और ये पॉइंट कम होने की वजह से एरिया, देखो ये एरिया और ये एरिया दूर होने की वजह से थोड़ा समझ यहां से यहां गया, तो एरिया कितना बना? अब यहां पर एरिया फैला हुआ है, यहां पर एरिया क्या है फैला हुआ है, और यहां से मैं यहां तक आ जाऊं, यहां पर एरिया ज्यादा है लेकिन फैला हुआ एरिया नहीं है, इसीलिए हमें लगता है ये एरिया कम होगा ये एरिया ज्यादा होगा, लेकिन दोनों एरिया सेम होते हैं। लेकिन कब सेम होते हैं? जब टाइम इंटरवल सेम होता है। टाइम इंटरवल क्या होता है? सेम। चलो ये बात फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सुनो हम सेकंड लॉ देख रहे हैं, हम सेकंड लॉ केपलर ने क्या कहा, ये है हमारा इस, यहां पर ले लिया मैंने सन,
सन यहां पर रहता है, फोकस रहता है, और यहां पर है प्लैनेट। तो मैंने यहां से यहां जोड़ दिया, ये पॉइंट मिला, ये प्लैनेट यहां पर गया थी, इसको टाइम लगा टी वन। क्या लगा टाइम? टी वन। तो इसने कितना एरिया स्वीप किया बच्चों? ये कितना एरिया स्वीप, राइट? आप समझो यहां पर कुछ देर बाद वो यहां पर आ रहा है और यहां पर चलेगा, यहां पर स्पीड ज्यादा है मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये एरिया बना। तो केपलर ने क्या कहा, अगर ये दोनों टाइम इंटरवल सेम है, ये भी टी वन है ये भी टी वन है, तो ये जो एरिया है ये वन और ये जो एरिया है ये टू, ये दोनों एरिया सेम होते हैं। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? बोलो दो तीन बातें आप प्रैक्टिकली तो हम नहीं बता सकते। यहां से यहां तक का स्पीड ज्यादा होता है, यहां पर स्पीड कम होता है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। इतनी बात समझ में आई? इसके आगे और मैं एक सवाल पूछूंगा उसके बाद। ओके यस सर। ओके मुसाविर हुआ बेटे, क्लियर? डायरेक्टली रूल है वो? हाँ सर क्लियर है। ओके आप समझो ना, मैंने यहाँ ये बी से लेकर यहां तक गया और यहां से यहां तक जाने को उसको T2 टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T2। और एरिया A3। अब तुम मुझे बोलो A3 एरिया और A1 एरिया सेम है क्या? A3 नहीं सेम, सेम है ये एरिया A3, यहां का एरिया मैंने A3 है? नो। क्यों? ये बात जरूरी समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम कैसा लगा है? T2 लगा है। यहां पर टाइम क्या लगा है? T1। दोनों ही टाइम्स अलग अलग है, दोनों ही टाइम्स क्या है? अलग अलग है, राइट? वेरी गुड। तो अब हम सेकंड लॉ का ठीक से लिख लेंगे, आप सभी बच्चे ठीक से लिख लेंगे। लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग द सन, लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, जो लाइन सन को और प्लैनेट को जोड़ती है, स्वीप्स या झाड़ना या कुछ भी बोल दो, ऐसा बोलेंगे स्वीप्स कर रहे हैं। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल equal areas, equal areas in equal time interval, equal time interval, this is Kepler's second law। note कर लिया Kepler's का second law। उसके बाद हम एक diagram भी बना लेंगे। आपके हिसाब से बना लो कैसे भी। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? सन। मैं बड़ा इसलिए नहीं बना रहा कि डायग्राम में प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ प्लैनेट, ये पॉइंट यहाँ पर गया, ऐसा कोई नहीं कि ऐसे डायग्राम बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे T1, जिसे वो मान लेते हैं C, स्पीड ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ पर आ गया ऐसा समझ। D, C से D तक आए, यहाँ पर टाइम T1, यहाँ का यहाँ पे लिखेंगे T1 is equal to T2, therefore A1 is equal to A, ये एरिया है A1, ये एरिया है A2। इसे दूसरा एक नाम देते हैं बच्चों, लॉ ऑफ एरियाज। This is also called law of areas. This is also called law of areas. This is also called law of areas. अब मैं अब बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि स्पीड अलग क्यों हो गया, उसका क्या रीजन है? तो मैं तुम्हें जो समझ समझ में आए वैसा रीजन मैं बोलूंगा।
अगर दो चीजों में डिस्टेंस कम है, अगर दोनों चीजों में डिस्टेंस कम है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, अगर और दो चीजों में डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम उसको कंसल्ट करेंगे। यहां पर डिस्टेंस फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस, यूनिवर्सली लिखा है, यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स कैसा हो गया कम, और अगर फोर्स कम और फोर्स ज्यादा है तो डिस्टेंस हो गया कम। अब समझो मेरे में और लैपटॉप में, मुझ में और लैपटॉप में 5 मीटर डिस्टेंस है, मुझ में और लैपटॉप में 5 मीटर डिस्टेंस है, मुझ में और आप लोगों में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर ज्यादा होगा, लैपटॉप के साथ ज्यादा होगा कि आप लोगों के साथ ज्यादा होगा, बोलो कहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर ज्यादा होता है, जहां पर डिस्टेंस कम होता है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और जहां पर डिस्टेंस कम होता है वहां पर, हाँ राइट, तो समझ में आया, जहां पर डिस्टेंस कम है समझ, देखो अब मेरे दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस है, यहां पर कुछ तो भी जीवन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो आप कितना हो गया G2 हो गया, तो अब जीवन ज्यादा है या G2 ज्यादा है, बोलो G2 G2 नहीं, देखो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कम है थोड़ा, समझो कुछ तो भी डिस्टेंस है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G1, आप मैंने दूरियां बढ़ा दी, अब डिस्टेंस बढ़ गया मेरे दोनों हाथों में का, तो आप G2 इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो आप दूरी ज्यादा है, पहले दूरी कम थी तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा ज्यादा होगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा कम होगा, वेरी गुड सिद्धार्थ, तो G1 ज्यादा। अब देखो बच्चों यहां पर अगर प्लैनेट आ गया तो इसका स्पीड क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर G1 मान लो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स G2 मान लो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है ज्यादा है, यानी सन तेजी से खींचता है प्लैनेट को, इसीलिए यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड क्यों बढ़ जाती है समझ में आया बच्चों, नियर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहां पर वो खींचता है, ग्रेविटी चीज अलग है और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पर होती है, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास होती है, हर एक की ग्रेविटी अलग अलग होती है। चलो बच्चों सेकंड लॉ समझ में आया, The line joining sun and planet sweeps equal areas in equal time interval. अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो गई पूरी तो एक बार यस बोलकर बोल दो। और कुछ बच्चों के मार्क्स मैं आगे भेज दूंगा, सभी के मेरे से चेक करना नहीं है, हम थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहे कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कल हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।